Actually, he is my father. Mm-hmm. So I'm very thankful to him. Great. To my mother. Yeah. And how are you feeling now? I'm feeling very good. You're feeling very nice. Very nice. Very nice. Yeah. Good. अभी देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्हें अपने आप बहुत थैंकफुल फील किया अपने पिताजी जो इनके साथ में बैठे हैं, माता जी इन्होंने नाम लिया। मैंने इनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर रही हैं और इनका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। और जब जब हम थैंकफुल मोड में रहते हैं, हम इसी मोड में रहते हैं, ये है रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड यानी कि आप और ज्यादा ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स से अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। और जब आप ऑटोमेटिकली कंप्लेन करते हैं तो आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि जहां आपका रिसीविंग बंद हो जाता है। जब रिसीविंग बंद हो गया तो कोई भी अच्छी चीज आपके पास आएगी कैसे? अगर आपका फोन बंद है तो कोई व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर सकता। तो सेम वे द मोमेंट यू कंप्लेन आप नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली आप सारी अच्छी चीजों को स्टॉप कर देते हो अपनी लाइफ में आने के लिए। सो बहुत जरूरी है इस थैंकफुल मोड में जब आप रहेंगे ऑटोमेटिकली, आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यू ऑटोमेटिकली बिकम काम एंड कॉन्फिडेंट। आप काम भी होते हैं, शांत भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का आप संचार होता है एंड एट द सेम टाइम यू बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। सो इसी ऊर्जा में रहना चाहिए, मेक इट अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी दे, अपना कार्य करे, बेशक वो उसका काम है, बट आपको आपको हमेशा थैंक यू बोलना है। अभी थोड़ी देर पहले एक भैया ने मेरे को पानी ला करके दिया, मेरे यहाँ पे भी माइक लगा हुआ था, मैंने धीरे से ऐसे करके इतना धीरे से थैंक यू बोला, बट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। कोई भी कहीं कुछ भी चाय की दुकान पर जाए, वो आपने पैसे दिए, चाय दी, थैंक यू, मेक इट अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। अगर आप इस चीज को, छोटी सा चेंज है बट बहुत पॉजिटिव चेंज है, आपके एक बहुत अलग दिशा में लेके जाएगा। थैंक यू, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, गुड।